बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी, केंद्रीय मंत्री और सांसद अश्वनी कुमार चौबे के बाद अब अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का नाम एम्बुलेंस विवाद से जुड़ गया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निजी सचिव अजय जायसवाल ने मंगलवार को पूर्व सांसद के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने रानीगंज रेफरल अस्पताल में सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस के बदहाल व्यवस्था की फोटो शेयर की और सांसद पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, भाजपा में एक से बढ़कर एक नवरत्न है। एक सांसद एम्बुलेंस की चोरी करता है और ऊपर से लॉबिंग कर सेवक को फंसा देता है। एक सांसद ये भी है जिनके सांसद निधि का एम्बुलेंस रानीगंज रेफरल अस्पताल अररिया में धूल फांक रहा है। ये एम्बुलेंस अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के एमपी फंड से है, जो रानीगंज रेफरल अस्पताल में सड़ रहा है। आखिर जनता की गाड़ी कमाई का इस तरह से दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार कौन है? बात यही खत्म नहीं होती है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। जगह जगह पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वही जनाधिकार पार्टी के पेज के फेसबुक हैंडल पर लिखते हुए शेयर करते हैं, जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जनसेवक आदरणीय पप्पू जी की रिहाई और चोर सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री मंगल पांडे एवं चोर सांसद राजीव प्रताप रूड़ी का अर्थी जुलूस निकालकर अंतिम संस्कार किया गया। उनका ये जुलूस जाप ने इसलिए निकाला कि लावारिस सिस्टम में इन लोगों की भी मौत हो गई है और इनके परिजन में इन्हें यूं ही छोड़ दिया है। इसलिए पार्टी के नेताओं ने उनका अर्थी जुलूस निकालकर पटना के बांस घाट पर दाह संस्कार किया। लिहाजा पप्पू यादव की गिरफ्तारी से लोगों में नाराजगी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर पप्पू यादव जेल के सलाखों से कब बाहर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।